श्री योग वेदांत सेवा समिति भिलाई दुर्ग व नंदिनी अहिवारा के तत्वावधान में महिला उत्थान मंडल भिलाई दुर्ग नंदिनी की बहनों द्वारा 8 मार्च विश्व महिला दिवस के निमित्त 26 फरवरी दिन सोमवार को संत संस्कृति रक्षा यात्रा हिंदी भवन दुर्ग से जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस तक निकाली गयी और कलेक्टर मैडम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। आज संस्कृति रक्षक संत आसाराम जी बापू को उचित उपचार दिया जाए व उनकी रिहाई की जाए, इसकी मांग करते हुए यह यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज व देश में सत्संग के माध्यम से कल्याण करने वाले संत को उचित इलाज मिलना चाहिए। जब सभी लोगों को बेल दी जा रही है तो बापू के लिए असमानता का व्यवहार क्यों? लोगों को यात्रा के दौरान ऋषि प्रसाद पत्रिका बांटी गई। इसके माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के 87 वर्ष के वृद्ध संत श्री आसाराम जी बापू को जेल प्रशासन की ओर से उचित उपचार के लिए बेल नहीं दिया जा रहा है। वे आयुर्वेदिक उपचार लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। आज देश में समानता का कानून होना चाहिए जो नहीं है। सभी जेल के अंदर लोगों को उनके हिसाब से बीमारी को देखते हुए उचित उपचार दिया जा रहा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बापू को तुरंत रिहा करो, वृद्ध अवस्था व स्वास्थ्य को देखते हुए उचित जाँच कर रिहा करें, लेकिन क्यों बापू के साथ असमानता का व्यवहार कर रहे हैं? किसके कहने पर बापू को सरकार बेल नहीं दे रही है? बिना ठोस सबूत के जेल के अंदर 11 वर्षों से रखे हुए हैं। कोरोना काल में शासन के प्रोटोकॉल में देश भर के जेलों से वृद्ध लोगों को रिहा किया गया है, लेकिन संत श्री आसाराम जी बापू को कोरोना होने के बाद भी एक भी दिन के लिए छोड़ा नहीं गया। एक संत जो 50 वर्षों से समाज उत्थान के लिए लगे हुए हैं, जो लोगों को सत्संग के माध्यम से नई दिशा दिखा रहे हैं, शांति अमर और चैन से जीने का मार्ग दिखा रहे हैं, उन्हें रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है? इन्हीं सब मुद्दों के साथ 26 फरवरी को दुर्ग जिला कलेक्टर महोदया को प्रधानमंत्री कानून मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। हमारी मांगे हैं कि हमारे परम पूज्य संत श्री गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू को जो है वो शीघ्र अति शीघ्र न्याय मिले, क्योंकि इस देश में बड़े बड़े दिग्गजों और नेताओं और राजनीतिज्ञों को भी न्याय मिलता है, उनके पक्ष में दलीलें पेश की जाती है, मीडिया में उनके लिए उनके साक्ष्य प्रमाणित किए जाते हैं, मगर हमें आज तक भी कोई ऐसा आश्रम की तरफ से ना तो किसी को मीडिया में बुलाकर उन्हें बुलवाया गया कि हमारे आश्रमों में क्या होता है, बापू जी के सत्संगों से उन्होंने क्या सीखा है, तो ऐसा पक्षपाती न्याय आखिर बापू जी के लिए क्यों? हमारी मांगे यही है कि हमारे पूज्य बापू जी को जो है वो निष्पक्ष न्याय मिले और उनके साथ जो है वो ऐसा दोगला व्यवहार बंद किया जाए। कहाँ से निकाले थे रैली? ये रैली जो है वो हिंदी भवन से निकली थी और कलेक्टर परिसर में जो कलेक्टर को ज्ञापन देकर हमने ये खत्म की है। हमने कलेक्टर साहब से ये अनुरोध किया कि हमारे बापू जी जो हैं अभी फिलहाल जोधपुर एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है और इनसे इसके पहले भी उन्हें 2000 एक लंबे समय से संत श्री आसाराम जी बापू के अनुयायी बापू की रिहाई के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, परंतु इनका संघर्ष नाकाफी साबित हो रहा है। देखना होगा इस बार इस यात्रा से शासन प्रशासन पर कितना फर्क पड़ता है और संत श्री आसाराम जी बापू कब तक रिहा हो पाते हैं। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।